इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू राशनल नंबर इज माइनस थ्री दो राशनल नंबर का सम माइनस थ्री है और उसमें से एक राशनल नंबर माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवन दे रखा है इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट डब्ल्यू डब्लू डब्लू डॉट ई लर्न डॉट इन पर जाएँ सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो देखिए हमें दो राशनल नंबर नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं लेट द टू राशनल नंबर बी राशनल नंबर बी ए एंड बी आप चाहें तो एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं एक्स एंड वाई ले रही हूँ अब इफ़ वन ऑफ देम इज माइनस फिफ्टीन अपॉइन्ट सेवन तो एक्स मान लेते हैं माइनस फिफ्टीन अपॉइन्ट सेवन है और हमें वाई की वैल्यू फाइंड द अदर तो वाई की वैल्यू निकालनी है अब क्वेश्चन में क्या था द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस थ्री तो वही करेंगे दो रैशनल नंबर का सम माइनस थ्री था अब जिसकी वैल्यू पता है वो लिख देंगे तो x की वैल्यू हमने माइनस फिफ्टीन अपॉइंट सेवन मांगनी थी तो माइनस फिफ्टीन अपॉइन्ट सेवन एक्स की जगह का y एज इट इज रहा और माइनस थ्री एज इट इज़ अब y अपनी जगह रहा माइनस थ्री एज इट इज रहा और क्योंकि माइनस फिफ्टीन अपॉइंट सेवन इधर आ गया दूसरी साइड तो प्लस का हो गया अब थ्री के नीचे कुछ नहीं है तो वन बच गया अब देखिए सेवन और वन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाईज के साथ तो माइनस थ्री की मल्टीप्लाई सेवन में प्लस वन की मल्टीप्लाई फिफ्टीन में राइट right? अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं माइनस प्लस माइनस थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन वन ज फिफ्टीन अपॉन सेवन तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई एक माइनस की वैल्यू है और एक प्लस की वैल्यू तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा माइनस सिक्स अपॉइंट सेवन तो हम लिख देंगे अदर राशनल नंबर इज राशनल नंबर इज माइनस सिक्स अपॉइन्ट सेवन इज द आंसर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू राशनल नंबर इज माइनस फोर अपॉन थ्री दो राशनल नंबर का सम माइनस फोर अपॉन थ्री है तो हमें राशनल नंबर नहीं पता है तो लेट द टू राशनल नंबर बी टू राशनल नंबर बी ए बी है राइट right? अब उसमें से आगे क्या कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज माइनस फाइव मान लेते हैं ए की वैल्यू माइनस फाइव है फाइंड द अदर तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा था द सम ऑफ टू राशनल नंबर दे रखा है तो सम कर लेते हैं दोनों राशनल नंबर का जो कितना दे रखा है माइनस फोर पॉइंट थ्री दे रखा है अब उसमें से एक राशनल नंबर माइनस फाइव दे रखा है तो माइनस फाइव एक ही जगह लिख लेंगे बी अपनी जगह रहा माइनस फोर अपॉन थ्री अपनी जगह रहा अब बी अपनी जगह रहेगा माइनस फोर अपॉन थ्री अपनी जगह रहेगा और फाइव दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अब फाइव के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख लिया अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री वन सा थ्री और जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस फोर इंटू वन प्लस फाइव इंटू थ्री अब प्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस फोर वन ज फोर प्लस फाइव थ्री ज फिफ्टीन अपॉन थ्री अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस अदर रैशनल नंबर बी रैशनल नंबर इज इलेवन अपॉन थ्री इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ